आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप अपने HDFC क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट को कैसे रिडीम कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास भी HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आप उसके जो रिवॉर्ड पॉइंट को कैसे रिडीम कर सकते हैं आज के इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं कि कैसे आपको अपने HDFC क्रेडिट कार्ड के पॉइंट को रिडीम करना है। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको अपने जो नेट बैंकिंग है उसको ओपन कर लेना है। तो अभी जो है मैं अपना यहाँ पे नेट बैंकिंग गूगल क्रोम ब्राउज़र पे लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने अपना नेट बैंकिंग को ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के मैंने यहाँ पे अपना नेट बैंकिंग ऑन करके रखा हुआ है। तो देखेंगे जब आप HDFC की नेट बैंकिंग ऑन करते हैं, चालू करते हैं, लॉगिन करते हैं तो कुछ इस तरीके से जो है आपका मेन्यू आता है। तो आप देखेंगे जब मेन्यू इस तरीके का आता है तो सबसे ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंट्स और फंड ट्रांसफ़र, बिल पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा है कार्ड्स। तो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, ये जो लिखा हुआ है कार्ड्स, तो ये कार्ड्स के ऑप्शन पे इस तरीके से आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कार्ड्स के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, अब आप यहाँ पर इस तरीके से देखेंगे आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं, यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। ये देखेंगे आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड लिखा हुआ है। तो अभी जो मैं है आपको बता रहा हूँ क्रेडिट कार्ड के लिए बता रहा हूँ। तो क्रेडिट कार्ड में आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है क्रेडिट कार्ड, और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ है थर्ड नंबर पे इंक्वायरी। तो आपको ये इंक्वायरी के ऑप्शन पे इस तरीके से क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर आप क्लिक करते हैं, अब आपके सामने देखेंगे इस तरीके से ऑप्शन आ जाते हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा मैं जूम करके बता देता हूँ। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है रिडीम एंड रिवर्ट्स पॉइंट। तो आपको ये जो रिडीम एंड रिवर्ट्स पॉइंट लिखा हुआ है इस वाले ऑप्शन पे इस तरीके से आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से आप देखेंगे आपका जो क्रेडिट कार्ड का नंबर है आपको यहाँ पे फर्स्ट के चार डिजिट और लास्ट के जो चार डिजिट हैं वो शो हो जाएंगे। तो आपको अपना क्रेडिट कार्ड जो है कन्फर्म कर लेना है कि यही है, और इस पर इस तरीके से टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पे जो है आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे इस तरीके से कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आते हैं, तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, अब आपके सामने कुछ थोड़ी देर प्रोसेस होने के बाद एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे पास जो यहाँ पर रिवॉर्ड पॉइंट है 4553 रिवॉर्ड पॉइंट्स मेरे पास हैं। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से आपके रिवॉर्ड पॉइंट दिखा देगा। तो आप देख सकते हैं 4535 जो है मेरे पास रिवॉर्ड पॉइंट है। तो इसको रिडीम करने के लिए आप देखेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके बता देता हूँ, प्रोडक्ट कैलकुलेट और यहाँ पे दिया हुआ कैश। अगर आप कैश में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये कैश के ऑप्शन पे क्लिक करना है, या फिर आप कोई कंपनी का जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट या किसी भी कंपनी का वाउचर जो इसमें अवेलेबल होगा तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अभी जो है मैं यहाँ पर आपको कैश में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ, जो हमारा जो रिवॉर्ड पॉइंट का जो पॉइंट्स रहेंगे वो हमारे बिल जो नेक्स्ट बिल जो जनरेट होगा उसमें यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कैश पे इस तरीके से क्लिक कर देते हैं। कैश पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन ओपन हो जाता है, हमारा क्रेडिट कार्ड का नंबर शो होता है और हमारे जो रिवॉर्ड पॉइंट है वो। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो टोटल रिवॉर्ड पॉइंट है 4535 है, और नीचे भी यहाँ एवल्यूट अमाउंट जो है यानी जो हमारा एक रिवॉर्ड पॉइंट है एक रुपये के बराबर है। तो हमारा 4535 रुपये यहाँ पे टोटल यहाँ पे शो हो रहा है। तो हमको यहाँ पे जो है अपना पॉइंट जो रिडीम हम जितने कर रहे हैं हमको यहाँ पे एंटर कर देना है। तो यहाँ पे अभी हम जो है पूरा रिडीम कर रहे हैं तो यहाँ पे हम एंटर कर देते हैं 4535। इस तरीके से हमने पूरा जो है रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे एंटर कर दिया है अपना पूरा यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ प्रोसीड, तो आपको ये जो प्रोसीड के ऑप्शन पे इस तरीके से क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे कुछ इस तरीके से जो है आपके सामने ऑप्शन आ जाता है कि आपको यहाँ पे जो है कंफर्म हो जाएगा कि आप जितना यहाँ पे आपका अमाउंट जो पॉइंट है यहाँ पे भी सेम है, और फिर से आपको ये प्रोसीड के ऑप्शन पर इस तरीके से क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है इस तरीके से, मैं आपको बताता हूँ, प्लीज़ वेरीफाई योर प्लेस्ड ऑर्डर। तो आपको कंफर्म कर लेना है आपका क्रेडिट कार्ड नंबर, रिवॉर्ड पॉइंट्स ड्यूरिंग द सेटलमेंट ऑन द रिडेप्शन ट्रांजेक्शन। तो ये जो है आपका यहाँ लिखा हुआ टू वर्किंग डेज, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ दो दिन में ये जो है आपका पैसा आपके क्रेडिट कार्ड जो है उसमें क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको टिक कर देना है। आपको टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ रिडीम नाउ, तो आपको ये रिडीम नाउ के ऑप्शन पे इस तरीके से क्लिक कर देना है। और यहाँ पे लिख के आ रहा है, आप देखेंगे आर यू श्योर इफ़ यू कैश रिडीम रिक्वेस्ट कैन बी प्रोसेस, तो आपको यहाँ पे कंफर्म के ऑप्शन पे इस तरीके से क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे योर कैश रिडीम्पशन रिक्वेस्ट ले ली गई है
टेकन अप टू द प्रोसेस, और यहाँ पे आपको एक ऑर्डर नंबर मिल जाता है, तो आपको ऑर्डर नंबर का स्क्रीनशॉट भी लेके आपको या लिख के रख लेना है अपने पास पे, ये 2 वर्किंग डेज में जो है आपका क्रेडिट कार्ड में ही ये जो है पैसा ऐड हो जाएगा। जो भी आपका बिल जनरेट होगा उसमें इस तरीके से जो है जो आपका रिडेम्पशन पॉइंट का जो पैसा है वो माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप भी अपने HDFC क्रेडिट कार्ड के रिडेम्पशन पॉइंट को रिडीम कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।